हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए महिंद्रा की एक प्रीमियम कार का वॉक अराउंड वीडियो करने वाला हूं। अब प्रीमियम नाम सुनकर आप समझ ही चुके हो कि हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा XUV700 की, जो कि ये हमारे पास AX5 मॉडल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी कार का वॉक अराउंड वीडियो करेंगे, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, अपने कंपटीटर से किस तरह बेहतर है, और हमने बहुत बार सुना है कि महिंद्रा ने बहुत प्रीमियम कार निकाली है, इंटीरियर अच्छा है, तो सारी चीज़ इसमें देखेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल। दोस्तों, ये है कार का फ्रंट लुक। तो दोस्तों, फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है गाड़ी का। मेरे को तो बड़ा ही बल्कि फील हो रही है गाड़ी में, मतलब कि एक हेवीपन सा लग रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं इसकी हेडलाइट से। तो दोस्तों, हेडलाइट इसकी पूरी कंप्लीट LED सेटअप में मिलती है, हमें कहीं पे भी हैलोजन का इस्तेमाल नहीं मिलता है। फॉग लैंप पे भी आपको LED सेटअप मिलता है, कोई हैलोजन का इस्तेमाल नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ग्रिल की। ग्रिल हमें पूरी, जो आप ये ब्लैक कलर की देख रहे हो ना भाई, ये पूरा रफ नहीं है, पूरा ग्लोसी है। मतलब एक तरीके से ग्लोसी ब्लैक कलर दे रखा है, रफ मटेरियल का कोई यूज़ नहीं किया गया है। और ये जो आप सिल्वर कलर की लाइनिंग देख रहे हो, इससे थोड़ा सा लुक और अट्रैक्टिव होता है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये ऐसे तरीके से पूरा एक DRR लाइट से मैच हो जाता है, जिससे थोड़ा सा लुक और बेहतरीन बनती है गाड़ी की। तो ओवरऑल इस तरीके से फ्रंट का लुक है। महिंद्रा की बैजिंग सेंटर में दे रखी है, जो कि नया लोगो है। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट का लुक लग रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कार के टायर प्रोफाइल की और साइड प्रोफाइल। अगर हम टायर की बात करें, 235/65/17 इंच के हमें इसमें टायर मिलते हैं। और कुछ इस तरीके से कार के अलॉय व्हील के डिज़ाइन है, जो कि मुझे तो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये कुछ ओवरऑल कार का साइड प्रोफाइल है। साइड में देखने से गाड़ी बड़ी ही प्रीमियम लग रही है दोस्तों, बहुत मतलब कि प्रीमियमनेस है ना। अगर प्रीमियमनेस की बात करें तो इस गाड़ी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा दी हुई है। आप ओवरऑल लुक देखो गाड़ी का यार, कितना मतलब एक दबंग सी फील आ रही है गाड़ी के अंदर। अगर बात करें इसमें नया क्या दिया है दोस्तों, नया इसमें दिया हुआ है इसका ये जो डोर हैंडल्स है, हम पुश करेंगे, पुश करने के बाद हम इसे ऐसे करके खोल सकते हैं, इसको हम बंद कर सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर नहीं दी हुई है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी ORV मिरर की। तो कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर में आपको इसमें मिलते हैं, और LED इंडिकेटर इसके अंदर दे रखे हैं। ए पिलर से लेकर सेफ पिलर तक आपको पूरा ब्लैक मिलता है। तो इस तरीके से कुछ कार का और लुक में इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद दोस्तों, हम चलते हैं कार के बैक प्रोफाइल में दोस्तों। बिल्कुल, तो ये है दोस्तों कार का बैक प्रोफाइल, देखने में तो बहुत बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो हमें शार्प फिन एंटीना ऊपर देखने को मिल जाता है, रूफ रेल्स भी हमें इस कार में कंपनी फिटेड ही मिलती है। उसके बाद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी इसमें आपको मिल रही है, कंपनी फिटेड डिफोगर मिल रहा है। रियर वाइपर भी आपको X5 मिरर में मिल जाता है, महिंद्रा की बेजिंग है। उसके बाद नंबर प्लेट के लिए आपको जगह दी हुई है, 2 पार्किंग सेंसर के पॉइंट इसमें मिलते हैं आपको। उसके बाद दोस्तों, नीचे स्किड प्लेट भी आपको ग्रे कलर की दे रखी है। अब हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं एक बार गाड़ी का। मैग्नेटिक स्विच इसके अंदर दे रखा है, प्लस लाइट भी इसके अंदर दी हुई है। तो ये कुछ इस तरीके से कार का बूट स्पेस है, जो कि हमें बहुत ही कम मिलता है, बाकी हम इसे थोड़ा बहुत यूज़ में ले सकते हैं। बाकी इसमें स्पेयर व्हील के जो टूल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब दोस्तों, चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो इंटीरियर में जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों, चलते हैं कार के इंटीरियर में। अब हम इसको पुश करके डोर हैंडल ओपन कर लेते हैं। डोर हैंडल खुलती है, हमें कुछ कंट्रोल्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ 4 पावर विंडो के स्विच मिलते हैं, आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। उसके बाद ये दोनों जो आपके ORV मिरर है, उसके एडजस्टेबल के कंट्रोल है, फोल्डेबल हमें इसमें नहीं मिलते हैं। डोर हैंडल आपको पूरा ग्लोसी ब्लैक में मिलता है, अभी और दो आपको यहाँ पे बोतल होल्डर भी मिल जाते हैं। अभी हम कार के इंटीरियर में आ जाते हैं, AC बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है कुछ कार का ओवरऑल इंटीरियर का लुक। बहुत ज़्यादा प्रीमियम, मतलब प्रीमियमनेस है ना भाई साहब, कूट कूट के भरी है गाड़ी के अंदर। ओवरऑल बहुत अच्छा लुक आ रहा है, मुझे तो पर्सनली बहुत प्रीमियम लग रही है कार देखने में। और इंटीरियर तो बहुत ही, जो आपका ये देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्प्ले दे रखी है, पूरी डिस्प्ले ये ऐसा लगता है जैसे कि पूरी डिस्प्ले एक ही हो, बट थोड़ा सा स्पेस यहाँ बीच में दे रखा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, स्टेयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। यहाँ हमें आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के और स्टेयरिंग माउंटेड के कंट्रोल मिलते हैं। उसके बाद स्टेयरिंग हमें टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं AC की। AC हमें मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। बाकी इसके कुछ कंट्रोल्स हैं AC के, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ये आपके पार्किंग, होम वगैरह सब इसके AC के कंट्रोल्स हैं। ये
उसके बाद दोस्तों जो आपका गियर नोब है वो क्रोम में है और थोड़ा सा छोटा कर रखा है महिंद्रा ने, देखने में थोड़ा सा ओवर अट्रैक्ट कर रहा है। हैंड ब्रेक आपको नॉर्मल मिलता है, ये थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, आप कोइन वगैरह इसमें रख सकते हो, यहाँ पे एक ग्लास वगैरह के लिए होल्डर दे रखा है, और ये जो आर्म रेस्ट देख रहे हो बहुत ही बड़ा दे रखा है और स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। इसे जो ओपन करते हैं हमें डिसेंट सा स्पेस मिलता है, एक ट्रे मिलती है की के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसे ग्लो बॉक्स की, तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दे रखा है जिसे ये अपने आप ओपन होता है, और इसमें कोई भी कूल्ड ग्लो बॉक्स का ऑप्शन नहीं दे रखा, ना कोई लाइट है। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्पेस दे रखा है, यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। अब दोस्तों आज जो इसका IRVM मिरर है वो बिल्कुल सिंपल है और डे नाइट एडजस्टेबल है। सनग्लास होल्डर इसमें आपको मिल जाता है और LED लाइट सेटअप इसके अंदर आपको मिल जाती है दोनों साइड में, और एक मून लाइट भी इसके अंदर आपको मिल जाती है जो इस तरीके से मून लाइट जलती है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके सनरूफ की, जो उसमें पैनारोमिक सनरूफ गाड़ी के अंदर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से ओवरऑल सनरूफ का व्यू है। पैनारोमिक सनरूफ आपको इसमें मिल जाता है। चलो भैया बंद कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों ये है कुछ कार की MID स्क्रीन डिस्प्ले, जिस पूरी डिजिटल है, फुली डिजिटल है, सारे कंट्रोल्स आपको स्पीडोमीटर टैकोमीटर सब आपको इसमें दिखने को मिलते हैं, कोई भी मैनुअल यूज़ नहीं किया गया है। और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी की की, तो बंद होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों की हमें कुछ इस तरीके से मिलती है फोल्डेबल, इसमें कोई पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है, इसमें लॉक अनलॉक और आपका बूट होल्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अब दोस्तों चलते हैं कार की पैसेंजर वाली सीट पे मिड से। तो दोस्तों ये कुछ ओवरऑल कार का सेकंड रो है, तो इसमें एक बार बैठ लेते हैं। मेरी जो हाइट है लगभग 5'8" है, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी ड्राइवर सीट, तो मुझे तो कहीं पे भी कोई भी स्पेस की कमी लग नहीं रही है। लेग रूम बहुत अच्छा है, थाई सपोर्ट भी मुझे बहुत अच्छी मिल जाती है, और हेड रूम तो बहुत अच्छा है ही, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट पे हल्की सी दिक्कत आई थी हेड रूम की, बाकी पीछे हर तरीके से कंफर्ट है सर। खूब चौड़ी है गाड़ी, लंबी, मतलब कैसे भी आप बैठ सकते हो, कहीं पे भी आपको मतलब सीट की या फिर मतलब स्पेस की कहीं पे भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं रियर एसी, कुछ इस तरीके से आपको रियर एसी का वेंट देखने को मिलता है। नीचे आपको USB केबल और एक फ़ोन रखने के लिए डिसेंट सा स्पेस मिला हुआ है। अब दोस्तों इसके चलते हैं पेवेलियन सीट, पीछे वाली सीट पर। तो दोस्तों इसके पीछे की सीट फोल्ड करने के लिए हमें यहाँ से इसको प्रेस करना होगा और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। अब हम अंदर बैठ जाते हैं एक बार गाड़ी में, इसको कर लेते हैं ठीक से। तो दोस्तों हम यहाँ पर बैठ गए हैं, तो यहाँ पे देखो जो मेरे लेग रूम मुझे इतना अच्छा खासा नहीं मिला है, लेग रूम बिल्कुल टच है सीट के, तो लेग रूम हमें बच्चों के लिए तो वैसे ठीक है और बाकी हमारे लिए सही नहीं है स्पेस, इसमें ना बहुत ही कम स्पेस मिलता है। लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, कंफर्टनेस नहीं है। पीछे जो आर्म रेस्ट है आपको, ये पीछे वाला आर्म रेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं दोनों सीट के, इसके भी मिलते हैं। बाकी इन सीटों को ना आप अपने हिसाब से आगे एडजस्ट कर सकते हो, तो हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल कार का बहुत अच्छा स्पेस है गाड़ी में, और कुछ इस तरीके से पीछे से गाड़ी का लुक आता है देखने में। तो मुझे आप दोस्तों ज़रूर बताना आपको कैसी लगेगी गाड़ी कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसके बाद जो AC के कंट्रोल से पीछे साइड में हमें सेपरेट मिल जाते हैं, एक बोतल होल्डर का ग्लास होल्डर मिल जाता है। उसके बाद स्पीकर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी AC का वेंट मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल्स हमें यहाँ पे भी ऊपर भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे बाहर जाने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं खुद से नहीं उसको फोल्ड कर सकता। अब जैसे इन्होंने खोला तो मैं बाहर निकलूँगा। तो दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें, तो डीजल इंजन में लगभग हमें ये 21 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है, और पेट्रोल इंजन में हमें लगभग 20 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है गाड़ी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से था कार का वॉक अराउंड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।